पुस्तकधारिणीमभयथा जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां लीलाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ओम शांति शांति शांति। समास का प्रकरण चल रहा है, समसनम समास। पहले केवल समास, फिर अव्ययीभाव समास, फिर बोलो तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारा द्विगु बहुव्रीहि, और क्या अब द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास होता है, ये सूत्र है चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, ये मतलब च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। किस अर्थ में? च के अर्थ में। तो ये नित्य होता है कि विकल्प? विकल्प होता है। ठीक है, अच्छा। और च के अर्थ चार होते हैं, याद करना है, समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग पढ़ लेता हूँ। समुच्चया अन्वाचय इतरेतर योग समाहाराश्चार्थः। फिर पढ़िए। च शब्द के चार अर्थ है, च शब्द के चार अर्थ है, ऐसा अमर कोश में भी कहा गया, अमर कोश में भी कहा गया है जी। पहला है समुच्चय, दूसरा है अन्वाचय, तीसरा है इतरेतर योग, चौथा क्या है? समास। इतरेतर योग, हाँ, चौथा है समाहार। कितने हुए? चार। याद करना जरूर। ठीक है, पहला हो गया समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, इसमें दिया है तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति। बोलो, तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। मतलब क्या होता है, परस्पर निरपेक्षस्य बोलता है, एक दूसरे की अपेक्षा न कर एक में संबंध होना, यही होता है समुच्चय। लिख कर रख लो, एक दूसरे की अपेक्षा न करके, एक में संबंध होना यही है समुच्चय। इसी का अर्थ है समुच्चय। साम उत उपसर्ग ची चयन धातु, लिखो साम और उत उपसर्ग, साम और उत दो है। ठीक है, पहला क्या है साम, उसका है उत, दूसरा हो गया उत। धातु क्या है? ची 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 ची, आगे यकार हल, चिया 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 चयन है, चिया चयन है। इस धातु से समुच्चय शब्द होता है, इस धातु से समुच्चय।
तो समुच धातु का अर्थ क्रिया होती है, धातु का अर्थ क्या है? क्रिया होती है। जैसे मान लो कि जो धातु है ना, सम उपसर्ग उत उपसर्ग पूर्वक चिय चयने, इस धातु का अर्थ क्रिया है। कौन सी क्रिया? बिना संबंध के, लिख लो, बिना संबंध के संग्रह के अनुकूल, संग्रह के अनुकूल, बिना संबंध के संग्रह, हाँ संग्रह के अनुकूल, परस्पर निरपेक्ष क्रिया, परस्पर निरपेक्ष क्रिया, परस्पर निरपेक्ष क्रिया। जैसे देखो, घबराओ ना, जैसे कह दिया ईश्वरम गुरुम च भजस्व, बराबर है, क्या कहा? भजन करो, भजन करो बोल दिया, सेवा करो, ईश्वर की भी सेवा करो, और क्या बोल दिया? गुरु की भी, भगवान और गुरु की सेवा करो। यश देवे पराभक्ति, है ना, यथा देवे तथा गुरु, हाँ तस्ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। वहाँ पर श्वेता सूत्र उपनिषद में आया, श्वेता सूत्र में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? श्वेता श्वेतर एक उपनिषद है, ठीक है। यस्य देवे पराभक्तिर, यस्य देवे पराभक्तिर, यस्य देवे पराभक्तिर, पराभक्तिर, यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे, यथा देवे तथा गुरु, तथा गुरु, हाँ जी ठीक है। तस्येते कथिता ह्यर्थः, तस्येते कथिता, कथिता ह्यर्थः, ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते। जैसे परमात्मा में भक्ति होती है, प्रकाशन्ते महात्मनः, नाम में विसर्ग भाई, परमात्मा में जैसी भक्ति होती है गुरु में भी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, बराबर। यदि यथा देवे तथा गुरु का देव मतलब परमात्मा, ठीक है, यही बात कह रहे। ईश्वरम गुरुम च भयस्य, भगवान और गुरु की सेवा करो। हाँ, ईश्वर और जो गुरु है ये परस्पर में कोई अपेक्षा नहीं है, परस्पर में क्या है? निरपेक्ष है, संबंध नहीं है, क्या नहीं? संबंध यहाँ पर नहीं है। एक च देखो, यह ईश्वरम गुरुम च कहा ना, च कहा, ये च से गुरु को और ईश्वर की कोई है? ईश्वर की, देखो एक च से ना गुरु को और ईश्वर की अपेक्षा हो, किंतु ईश्वर का संबंध जोड़ने वाला दूसरा च नहीं, एक ही च से हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्या दूसरा जोर नहीं, एक ही च से दोनों का हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, एक ही च हुआ, ईश्वरम भजस्य, ईश्वरम भजस्य गुरुम च भजस्य, यही अर्थ हुआ ना? ओहो कट गया भैया। हाँ तो समुच्चय का चल रहा है, बराबर है, ईश्वरम भजस्व गुरुम च भजस्व, एक ही च से हो गया, ठीक है। ईश्वर का भजन करो, गुरु का ही भजन करो, दो वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो वाक्य, ईश्वर का भजन करो, गुरु का ही भजन करो, आए कि नहीं समझ में? ठीक है जी। तो क्रिया में द्रव्य का संग्रह हुआ, क्या हुआ? क्रिया में द्रव्य का, हाँ, संग्रह हुआ, ऐसा होता है, ठीक है। एक क्रिया है ना, भजस्व क्रिया है, भजस्व भजन करना क्रिया है, क्रिया में किसका संग्रह हो रहा है? द्रव्य का संग्रह, कौन द्रव्य? दो, एक ईश्वर हो गया, दूसरा क्या है? गुरु हो गया। कहीं कहीं द्रव्य में द्रव्य का संग्रह भी हो जाता है, कैसे? देखो राज्यः गजश्च अश्वश्च, क्या कह दिया? राज्यः गजश्च अश्वश्च, गजश्च अश्वश्च मतलब क्या हुआ? ये राजा का हाथी है, घोड़ा भी है
राजा का क्या है, राजा का क्या क्या है नहीं बोलते हैं जी। राजा का हाथी भी है और राजा का घोड़ा भी है, हैं? तो द्रव्य में द्रव्य का संग्रह हुआ क्या, हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य कौन होगा? राजा, हाँ। उसमें संग्रह किसका हो रहा है? हाथी, हाँ, हाथी और घोड़ा का नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं द्रव्य में गुणों का संग्रह हो जाता है, कैसा हो जाता है? हाँ, कैसे होता है? पटह कृष्ण रक्तश्च, देखो बताते हैं, पटह कृष्ण रक्तश्च, हाँ, मतलब क्या है? ये जो पट, पट मतलब वस्त्र, वस्त्र का काला होता है कि लाल भी होता है? दोनों होता है। हाँ, द्रव्य कौन? पट। गुण कौन? कृष्ण और रक्त, हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य में किसका संग्रह हुआ? गुणों का संग्रह, दो गुण है, दो गुणों का संग्रह हो गया, हुआ? हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। और कहीं कहीं गुण में द्रव्य का भी मिलित अन्न होता है, गुण में कैसे? रक्त पट कुंडलम च, रक्त पट कुंडलम च, मतलब क्या? लाल कपड़ा है, कुंडल भी है, क्या बोल दिए? लाल कौन है? कपड़ा। लाल कपड़ा भी लाल है, कुंडल भी लाल है, ला। पुष्प भी लाल है, ऐसा में ऐसा होता है। आए गुण में द्रव्य का, गुण में द्रव्य का मिलित अन्न हुआ, हुआ ना? गुण हो गया रक्त लाल, और द्रव्य कितने हैं? दो, पॉट और कुंडल कहो, पुष्प कहो, जो भी कहना कह लो, आए समझ में? अच्छा, मिलित अन्वय, मिलित अन्वय हुआ ना? अच्छा, ये समुच्चय होता है। अन्वाचय क्या होता है, सुन लो, अन्वाचय है, अन्वाचय लिखो, अन्वाचय। तो अन्वाचय ये होता है, देखो पुस्तक में दिया है, पुस्तक देखो, भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षाम अट गाम च आनय, देखो, हाँ, भिक्षा करो बोल दिया गुरु ने चेले को, आजकल करेंगे नहीं? हम भिक्षा करने के लिए साधु बने हैं, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो हम चलते हैं, ऐसे बोल देते हैं लोग, बोलेंगे नहीं, सोचेंगे भी। पहले ऐसा नहीं, भी जाओ भिक्षा करने जाओ, कमंडल लो, पंजाब में भी अभी भी होता है, होता है पंजाब में, राजस्थान में, हाँ हाँ, भिक्षा, ठीक है, भिक्षा मट मतलब भिक्षा के लिए जाओ, और जाओ रास्ते में भी मिलेगा गौ, गौ लेकर आ जाना, गौ चरने गई है ना, गौशाला है आश्रम में, हाँ, भिक्षा के लिए जाओ, लेकिन आते समय गौ यदि मिलेगी तो, अगर मिले तो, हाँ, ढूंढना नहीं जी, मिल जाएगी तो ले आना। मुख्य कौन हुआ? मुख्य मेरा भिक्षा, भिक्षा अटन हो गया। गौण कौन हो गया? गौण हो गया गाय को लाना, गौ का आनन क्रिया, आए समझ में? ये होता है अन्वाचय। ये देखो लिखा यहाँ पर, इति पुस्तक देखो, अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन, बोलो, अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वय अन्वाचय, अन्वय अन्वाचय, पढ़ो, देखो अनु उपसर्ग होता है, अनु उपसर्ग, आंग उपसर्ग, आंग आंग लिखो भाई, अनु आंग, अनु और चिया चयन धातु, चिया चयन है तो बन जाएगा अन्वाचय, है जी। हाँ देखो अनु है ना, अनु आगे आ है, आंग का आ, अनु के उकार को यण संधि हो गई है ना, तो हो गया ना अन्वाचय। हाँ तो अन्वाचय क्या होता है, अन्वाचय लिखो, अनु आ और चयन धातु, इस धातु का अर्थ ऐसा है, इस धातु का अर्थ ऐसा है,
लिखो भैया। प्रसंग वसात, प्रसंग वसात, प्रसंग वसात, प्रसंग वसात, संग्रह के अनुकूल क्रिया, संग्रह के, संग्रह के अनुकूल क्रिया, संग्रह के अनुकूल, अनुकूल क्रिया, यही होता है अन्नाचय, है ना। प्रसंग हो गया ना, यही होता है। हाँ देखो, प्रसंग हो गया कि नहीं, मिल गई तो ले आओ गौ, अनुकूल क्रिया हो कि नहीं हुई, आए भिक्षाटन क्रिया तो हो रही, और मिल जाएगी तो गौ ले आना, है ना। भिक्षा मट गाम च नय, भिक्षा मांगो, यदि गाय मिल जाए तो लेते आओ, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ऐसे, इसलिए गौ की संगता मतलब है, गौ की संगता होगी ना, गौ मिल जाएगी तो उसको ले आओ कह दिया। मुख्य कौन, भिक्षाटन हो गया मुख्य। अब प्रसंग से गौ का आनयन हुआ, प्रसंग से हुआ कि नहीं, मिल जाएगी तो ले आना बोल दिया, है ऐसा होता है। मतलब दोनों कर्म हो रहा है ना, ये भिक्षाटन कर्म हो रहा है और दूसरा क्या है, हाँ गौ आनयन क्रिया हो रही है, बराबर है। दोनों कर्म का परस्पर समान संबंध नहीं है, यहाँ पर समान संबंध क्रिया के साथ नहीं है, नहीं होने से यहाँ पर सामर्थ्य नहीं होता है, सुनते हो। हाँ इसलिए यहाँ पर समास नहीं होता, ये बताएंगे। देखो ये लक्षण दिख दिया है, भिक्षा मट गाम चना इति अन्यतर से, दोनों में से एक आनुषंगिकत्व, एक आनुषंग हो गया ना, हाँ एक गौण हो गया कि नहीं हो गया, गौण है। हाँ एक गौण हो गया है, आनुषंगिक अर्थ अप्रधान, प्रधान कौन, भिक्षाटन, और अप्रधान आनुषंगिक कौन, हाँ गौ आनयन क्रिया, बराबर है कि नहीं। हाँ हाँ इसलिए आनुषंगिक रूप से अन्वय हो रहा है ना, मुख्य रूप से अन्वय नहीं हो रहा है। एक समुच पहला हो गया समुच्चय, नहीं कहाँ पर समुच्चय, ईश्वरम गुरुम च भयस्व, है दूसरा हो गया अन्नाचय, भिक्षा मट गाम च अन्नाचय, ठीक है। ये दोनों में सामर्थ्य न होने से समास नहीं होता है, समास यहाँ पर नहीं होता, ऐसा मानते हैं लोग। और बाकी दो अर्थ कौन रह गए, चौके बोलो, इतरतर योग और समाहार। ये देखो आगे इतरतर योग बोल रहे हैं, देखिए, धवा खदीरो छिंधि, धवा खदीरो छिंधि इति मिलितानाम अन्वय इतरेतर योग, मिलितानाम अन्वय इतरेतर योग। देखो कह दिया धवा खदीरो, ये समास है धवा खदीरो, ये समास कौन समास मालूम है, इतरेतर योग, इतरेतर योग द्वंद है, इतरेतर योग में द्वंद समास, सुनते हो जी। चौक के अर्थ में द्वंद है कि नहीं, चौकी चौकी कितना अर्थ है, चार, चार कह दिया ना, कितने, चार, दो अर्थ हो गया, तीसरा क्या है, इतरेतर योग। इसका लक्षण देखो, मिलितानाम अन्वय इतरेतर योग। हाँ मिलितानाम अन्वय मतलब क्या, परस्पर, देखो लिखो, लिख लो परस्पर मुख्य अपेक्षी, मुख्य अपेक्षी, परस्पर मुख्य अपेक्षी, अपेक्षियों को ऐसा लिखो, को मिलाकर, मिलाकर मिलाकर एक क्रियापद में जुड़ना, एक क्रियापद में जुड़ना अर्थात परस्पर साहचर्य, परस्पर साहचर्य, साहचर्य, यह अर्थ है, ऐसा अर्थ है इतरेतर योग का, ऐसा अर्थ है इतरेतर योग का, है। देखो कह रहे हैं यहाँ पर, सुनो,
इतरेतर योग होगा ना, योग मतलब संबंध, योग का अर्थ संबंध, इतरस्य इतरेण सह योग है, लिखो इतरस्य इतरेण सह योग संबंध, योग संबंध, ये किसका अर्थ हुआ, ये इतर इतर योग का एक क्रिया में अन्वय होगा, क्रिया में इसका अन्वय हो जाएगा। कैसे, सुनो बताता हूँ, उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। धवश्च खदिरश्च छिंधी, क्या बोल दिया, खदिरश्च छिंधी, धवश्च खदिरश्च, धव खदिरौ छिंधी, ऐसा लिखो, धवश्च खदिरश्च, धव खदिरौ छिंधी, देखो कौन सी क्रिया हो रही है, काटो, छेदन क्रिया, छेदन क्रिया इसके साथ संबंध हो रहा है, हो रहा है ना, दोनों का हो रहा है, धवा धवा जानते हो, हाँ कोई पेड़ है, हैं हाँ, ये धवा किस वृक्ष को बोलते मालूम है, खदिर तो जानते हैं, खैर खैर, हैं खदिर होता है खैर, पान पान नहीं बनाते हैं, पान का कत्था जी, उसको बोलते हैं खदिर, हाँ, और धवा कोई है वृक्ष, कौन सा है, चूना कौन से वृक्ष है, देखना पड़ेगा, धवा धवा, हाँ खदिर तो मैं जानता हूँ, हैं धवा जो कोई चूना कौन सा एक वृक्ष है, धवा कौन सा, शुक्ला जी को पता होगा, धवा कौन सा वृक्ष है शुक्ला जी, नहीं सुन रहे से, चलो देख लेंगे, धवा कोई है, खदिर तो जानते हो, खैर खैर, पान का कत्था बनाते हैं इससे, एक धवा नाम का वृक्ष है और एक क्या है, खदिर नाम का वृक्ष है, दोनों को काटो बोल दिया, एक साथ काटो, एक साथ काटो, धव को धवा वृक्ष को भी काटो और खदिरा वृक्ष को भी काटो, परस्पर संबंध हुआ कि नहीं, हाँ इसी का नाम है यहाँ पर इतरेतर योग, हो गया भाई, इसलिए बोल जाए मिलिता नाम अन्वय, लिख देना साफ साफ, ठीक है, अन्वय, और दूसरा क्या है, मतलब मिल करके एक क्रियापद के साथ जोड़ना, एक क्रियापद कौन, छिंधी काटो, दोनों मिल करके जुड़ रहे हैं, कौन कौन दोनों, और खदिर, आया समझ में, दूसरा क्या है, समाहार, समाहार तो जानते हो, समाहार मतलब समुदाय, समाहार का अर्थ समुदाय, मतलब परस्पर सहभाव से एक समूह अर्थ होना, एक समूह अर्थ, परस्पर सहभाव से एक समूह रूपी अर्थ होना, एक समूह रूपी अर्थ होना, इसी का नाम है समाहार, लिखा आपने समुदाय अर्थ, समुदाय अर्थ है ना, है परस्पर सहभाव से एक समूह अर्थ होना, एक किसका अर्थ हुआ, समाहार, जैसे देखो पुस्तक में संज्ञा परिभाषम, संज्ञा परिभाषम इति समूह समाहार, इति समूह समाहार, देखो संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा च परिभाषा, लिखो संज्ञा च परिभाषा च, ऐसा करना है, हो गया भी क्या, संज्ञा च परिभाषा च, हैं हाँ, एतयोः समाहार, एतयोः समाहार इति संज्ञा परिभाषम, इति संज्ञा परिभाषम, ऐसा करना है, ठीक है, एक संज्ञा है नाम, दूसरा क्या है परिभाषा, एक संज्ञा है और एक परिभाषा,
एक संज्ञा है और एक क्या है, एक परिभाषा, परिभाषा है, ठीक है। ये होता है समाहार न समुदाय, दोनों को मिला दिया। अच्छा अब आगे समास आएगा, देखो हाँ, दो अर्थ में समास होता है। चौके, चौके कितना अर्थ है, चार। हाँ पहला दो को छोड़ दो, समुचर अन्वचय, आगे क्या है, इतर इतर योग और समाहार, ये दो अर्थ में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और थोड़ा समझा देता हूँ, समाहार अर्थ में, समाहार अर्थ में नपुंसक एक वचन ही होता है। समाहार द्वंद्व से लिखो, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास में नपुंसक लिंगम होता है और एक वचन ही होता है, होता है और एक वचन ही, एक वचन ही होता है। किस लिंग में चलेगा समाहार का, नपुंसक, स नपुंसकम का ना, क्या स नपुंसक, तो समाहार तो एक ही होगा, इसलिए एक वचन ही होगा, हैं? क्या होगा, एक वचन, एक वचन होगा। पहले गया था ना स नपुंसकम, हाँ पीछे गया था ना, कहाँ पर गया, संज्ञा प्रकरण नहीं कहाँ पर गया, तात्पुरुष समास में गया, ठीक है, क्या तात्पुरुष समास में गया, ऐसा होता है। चलिए और इतरेतर द्वंद में वो भी लिखो, इतरेतर द्वंद में द्विवचन और बहुवचन होता है, द्विवचन और बहुवचन होता है, एक वचन नहीं होता है, ठीक है। लिंग तो कोई भी होगा, ठीक है, हाँ। जैसे देखो आगे, आगे देखो, अर्थ धर्म मिला आपको, अर्थ धर्म, अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्म। अगले सूत्र की वृत्ति में देखो, हाँ अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्म, बोलो धर्मार्थौ, बोलो धर्मार्थौ, दोनों शब्द बनता है, अर्थ धर्म भी बनेगा धर्मार्थौ भी बनेगा, सुनते हो जी, हाँ। तो यहाँ पर देखो समास करना है, क्या करना है, समास करना है, अर्थसु धर्मसु, अर्थसु धर्मसु, अर्थसु धर्मसु, हाँ दोनों हो गया ना, क्या समास है, इतरेतर द्वंद, इतरेतर योग में अर्थसु, आगे क्या है धर्मसु, इतना आया, अच्छा को किसको पर में रखना है, उपसर्जन संज्ञा करोगे ना, क्या उपसर्जन संज्ञा, हाँ उपसर्जन संज्ञा, एक सुबंध का दूसरे सुबंध के साथ करोगे, कौन पूर्व में होगा, कोई नियम तो रहा नहीं, नहीं। कोई नियम तो नहीं रहा नहीं, इसलिए किसी को भी कर सकते हो फिर, है इसके ऊपर एक व्यवस्था है, किसको पूर्व में रखना है किसको पर में रखना है। देखो यहाँ पर लिखे राजदंता दिशु परम, राजदंता दिशु परम, राजदंता दिशु परम, राजदंता दिशु परम, दो पद है भाई, राजदंता दिशु सप्तमी का बहुवचन, ये थोड़ा निकालता हूँ मैं, महादेव महादेव मैं निकाल दंद समास मिल गया, राजदंता दिशु परम, उपसर्जनम पूर्वम, वहां से अनुवृत्ति आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, पूर्वम की, हाँ ठीक है ना जी। राजदंता दिशु सप्तमी का बहुवचन क्या है, राजदंता दिशु, सप्तमी बहुवचन, राजदंतादि गण है, लिखो राजदंतादि गण है, क्या है, गण, हाँ गण है, गण गण है ना जी। तो राजदंता गण में, राजदंतादि गण में लिखो, राजदंतादि गण में, गण में
जो पूर्व प्रयोग के योग्य पद होता है, जो पूर्व प्रयोग के योग्य पद होता है, योग्य पद होता है, ऐसा पद, पूर्व में न होकर का पूर्व में न होकर पर में होता है, पर में होता है, पर में होता है, है ना? हाँ, जैसे देखो राजदंतादि बोल रहे हैं, दंतानाम राजा नः, पूछते देखो दंतानाम राजा नः, दंतानाम राजा नः इति राजदंतः, इति राजदंतः, क्या समास है मालूम है? दंत नहीं यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है? दंतानाम राजा नः मतलब दांतों का राजा, दांतों का राजा कौन सा होता है? सामने वाला, सामने वाला कि वो है बड़ा वाला? सामने वाला ये राजा है, हाँ राजा होगा, है देख लो कौन सा राजा है। सामने वाला इसको राजा कहोगे कि जो बड़े वाले को, हाँ दांत का डॉक्टर तो है ही नहीं तो पूछ लेते, हैं बोलो से राजो दांतों का राजा कौन सा दांत है? ऊपर के चार वाला, अच्छा अच्छा छः नंबर लिखा है क्या टिप्पणी में इसमें? छः नंबर टिप्पणी का है, हाँ चतुर राजदंता हास्तु चतुर दंतानाम उपरि स्थिता, ये ऊपर में चार दांत है भाई, हाँ इसको कहते हैं राजा है, दांतों का राजा है ये, ठीक है? अच्छा दिखता होगा ना, ये नहीं है तो सब बेकार है कि नहीं? इसलिए होता होगा, है कि नहीं? रसगुल्ले भी खाओगे तो कहीं पर इसमें तो चाबोगे, सामने वैसे है ना, सामने से तोड़ोगे ना, सामने से तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसलिए बोल दिया। और सुंदर भी है राजा, सुंदर भी है। चलो षष्ठी तत्पुरुष समास है, किस सूत्र से होगा समास बोलो? षष्ठी, क्या सूत्र है? षष्ठी। अलौकिक विग्रह बोलो, बोलिए राजा सु कहाँ से है? हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ राजा सु, बहुवचन बोल रहे हैं, राजा सु कहाँ से आएगा? राजा सु कि राजन सु? राजन सु, राजन गांस होगा, ये गांस बोल दिया, जसी जस जस राजन जस लिखो, पहले षष्ठी को बोलो ना, है ना? दंत आम लिखो भाई, दंत आम राजन जस, राजन जस, ठीक है? षष्ठी है कि नहीं, क्या है बोलो? षष्ठी दंत आगे क्या है? आम षष्ठी बहुवचन, राजन जस, ठीक है? देखो अलौकिक विग्रह हुआ, किसको पहले रखना चाहिए? सूत्र क्या है? उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम पूर्व, उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? हाँ बोलो, षष्ट्यंत, षष्ट्यंत कौन है? दंत आम, वो पहले होना चाहिए कि नहीं? उपसर्जनम पूर्वम, पीछे क्या नहीं सूत्र? उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन होने के कारण है दंत आम क्या है? पूर्व में होना चाहिए, है कि नहीं? तो अब ये सूत्रकार बोलते हैं, नहीं भी ऐसा नहीं, राजा दंतादि से परम जो पूर्व में होना था ना, वो पूर्व में नहीं करना है, पौर में करना है। क्या करना है? जो पूर्व में होना था वो पौर में, इसलिए कहा ना एसु, एसु मतलब राजदंतादि गणपति शब्दों में पूर्व प्रयोगार्ह, जो पूर्व में प्रयोग का योग्य था, करने में योग्य था, उपसर्जन होने के कारण वो पूर्व में न होकर कहाँ पर होगा? पौर में होगा, ये बोलते आए समझ में, ठीक है? इसलिए कौन पूर्व में होगा? राजन जस, और दंत आम पर में होंगे, हो गया? आपको समझ में आ रहा है? विचार करो, है हाँ, तो कौन किसका लूप हो गया? दोनों का, हाँ जस और आम का लूप हो गया, कितना रहा? राजन दंत, नौकार का भी लूप हो गया, किससे होगा भाई? हाँ नौलोप प्रातिपदिकांत, कितना रहा?
राजदंत, बहुवचन में राजदंता, मतलब क्या अर्थ है? राजों का दाता, राजाओं का दांत, के दांतों का राजा, हैं दांतों का राजा, राजा के राजाओं का दांत। जैसे तो कहो राजा विद्या आया, सुनो राजा विद्या राज गुह्य योग आया ना गीता में, राजा विद्या गीता में भी एक अध्याय है ना राजा विद्या, हैं तो राजा विद्या क्या क्या विग्रह होगा बोलो? राज विद्या, राज विद्या शब्द आया ऐसी की तरह बोलो, विद्या आम लौकिक बोले पहले बोलो, हाँ हाँ बोले गलती हो क्यों डरते हैं, राजा एक वचन विद्यानाम राजा इति राज विद्या, हाँ मतलब क्या अर्थ हुआ? राजाओं की विद्या के विद्याओं के राजा, हाँ कोई एक गीता का प्रवचन कर रहे थे, हाँ एक है ना, हाँ भाई जहाँ पर जो पढ़ लिखे नहीं वहाँ पर कुछ भी बोलोगे चलेगा, हाँ स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं ना, हाँ बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं? राजा नाम विद्या ऐसे बोल, राजाओं की विद्या है भी ये, तो राजाओं की विद्या मतलब गीता राजा लोग पढ़ेंगे बाकी लोग नहीं, क्या ऐसा है क्या? नहीं क्या, राजाओं के विद्या के विद्याओं के राजा आ गया, ऐसे भी अनपढ़ है ना, तो वहाँ पर ऐसा है, ठीक है। एक काशी से गया, कहाँ काशी से पढ़ कर गया भाई, काशी से पढ़ कर गया तो पढ़ाया वो लघु सिद्धांत कौमुदी, गांव वाले पूछे पढ़ कर आए, हाँ हाँ पढ़े हैं बहुत पढ़ा हूँ, अच्छा तो बाकी तो छोड़ दीजिए, विवाह कराना आता है आपको? क्यों नहीं आता है, इतना पढ़ाऊँ तो विवाह तो करना आएगा ही है ना, तो उसको ले लिए फिर विवाह कराने के लिए, आज विवाह करा रहा है और क्या, हवन भी करना पड़ता है ना, है ना, गांड लगाने के बाद, हाँ गांड भी लगाना, गांड लगाते ना पति पत्नी है कि नहीं, और क्या इको होना चाहिए गांड लगाओ ऐसा बोल दिया, हाँ विलक्षण मंत्र है, हाँ भाई जो भी बोल रहा है सूत्र ही बोल रहा हो क्या लोग, हवन भी करा रहा है तो हलांतम भाई स्वाहा बस डालो यहाँ पे, है कि नहीं, हैं अदर्शनम लोपह स्वाहा ऐसे ही बोल रहा है भाई, विलक्षण पंडित ऐसा मंत्र तो हमने कभी पहले सुना ही नहीं है, ऐसे ही हैं, तो ठीक से पढ़ना चाहिए, व्याकरण भी कम पढ़ो कोई बात नहीं लेकिन ठीक से पढ़ो, क्या होगा बोलो, राजा विद्या में क्या होगा? विद्यानाम राजा इति राज विद्या, विद्या आम आगे बोलो, विद्या आम हाँ राजंसु, राजंसु हाँ, तो क्या बन जाएगा? विद्या राजन होगा कि राजा विद्या हो जाएगा, कौन पूर्व में होगा? हाँ राजन पूर्व में हो जाएगा, क्या बन जाएगा? राजा विद्या, सुनते हो भाई? इसी प्रकार राजा गुह्य बोलो, अभ्यास करो ना, हाँ राजा गुह्य बोलो, लिखा नहीं है पूछ रहा हूँ आप लोगों, राजा गुह्य बोलो, ऐसे ही होगा, हाँ गुह्यानाम राजा इति राजा गुह्य, जो गुह्य में गोपनीय, गोपनीयों के राजा, गोपनीयों की हाँ बहुत सारे गोपनीय है कि नहीं, हाँ सबसे राजा कौन है? विद्या, ब्रह्म विद्या जो है ना राजगुह्य है, आत्म विद्या राजगुह्य, सबको नहीं दिया जाता है ना, आगे यहाँ इसी से होगा सब, ठीक है इतना आया अच्छा आगे देखो, वो कहते हैं धर्मादिशु अनियम, धर्मादिशु बोलो, धर्मादिशु अनियम, धर्मादिशु अनियम, धर्मादिशु अनियम, धर्मादि में ये नियम नहीं होगा, क्या धर्मादि में ये नियम नहीं होगा, ये गौण सूत्र है भाई, लिखो ये, यह गौण सूत्र है, ये गौण सूत्र है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, धर्मादि में ये ऐसा नियम नहीं है, गौण सूत्र है, मतलब क्या, धर्मादि में दोनों में से एक का पूर्व निपात होगा, क्या
एक का पूर्व निपात, पूर्व निपात, चाहे किसी को भी पूर्व रखो है लो, किसी को भी पर कर दो, कोई नियम यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कह दिया, देखो अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्मौ, बोलो अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्मौ, है ना। अर्थसु धर्मसु, चाहे धर्मसु अर्थसु कैसा भी कर लो, किसी को ही पूर्व कर सकते हो। अर्थ को पूर्व करेंगे तो अर्थ धर्म, द्विवचन में अर्थ धर्म, अथवा धर्म को पूर्व में कर दो, कोई आपत्ति नहीं, धर्मार्थ बन जाएगा, दोनों शुद्ध है। आ गया, ठीक है जी। इसी प्रकार से, हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा, आगे कह रहे हैं दंदे घी, दंदे घी, दंदे घी, दंदे घी, दंदे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, दंदे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ। ये द्वंद्व समास है, हरि सु हरसु, ठीक है, फटाफट एक वचन है, हरि सु हरसु, हरि और हर, हरि और हर, द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है भाई। तो सु का तो लुक हो जाएगा, लेकिन किसको पूर्व में रखेंगे, तो देखो कह रहा है दंदे घी, दंद समास में जो घी संज्ञक शब्द होगा उसका पूर्व में होगा, ये बोलते हैं। सूत्र का अर्थ हो गया, दंद समास में, दंद समास में घी संज्ञक, घी संज्ञक पद का पूर्व निपात होता है, पूर्व निपात, पूर्व निपात, पूर्व में प्रयोग होता है, पूर्व प्रयोग होता है, हो गया भाई। हरि और हर दोनों में से घी संज्ञा किसकी होगी, घी संज्ञा होती है, जानते हैं आप लोग, हाँ ठीक, शेषो घ्यस की सूत्र से घी संज्ञा होती है, हर की घी संज्ञा के हर की घी संज्ञा है, हाँ इकारांत है ना, हर से इकारांत है, हाँ ठीक है, हाँ हरि की हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, हरि पूर्व में होगा, हाँ कहीं कहीं शंभु कहेंगे तो, हाँ शंभुश्च है कि नहीं, शंभुश्च कह देंगे, शंभुश्च कृष्णश्च, क्या होगा, शंभु पूर्व हो जाए, क्यों, क्योंकि शंभु कृष्ण, आ गया कि नहीं। तो बोलते देखो हरिहरव हो गया, और प्रथमादि वचन में हरिहरव हो गया भाई, हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा और भी देख लो, अच्छा सुनो बताता हूँ, जहाँ पर तीन पद हो जाएगा, जहाँ पर तीन पद, देखो बताता हूँ, अभ्यास करो ना, तब पढ़े तो अभ्यास कर लो, हरिश्च गुरुश्च हरश्च, लिखो हरिश्च गुरुश्च हरश्च, ठीक है, हरिश्च गुरुश्च हरश्च, हैं तो यहाँ पर देखो कितने पद हो गए, तीन पद, हरि है गुरु है हर है, हैं यहाँ पर घी संज्ञा किसकी है, हरि की है कि गुरु की है, दोनों की है, अनेक हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर किसको रखेंगे भाई, लड़ाई तो हो जाएगी, हरि बोलेगा मैं पूर्व हूँ, गुरु बोलेगा मैं पूर्व हूँ, किसको रखोगे पहले, तो यहाँ पर कोई नियम नहीं होता है, जहाँ पर अनेक घी संज्ञक हो जाएंगे वहाँ पर कोई नियम नहीं होता है, तो फिर ऐसा ही रहेगा, किसी को भी कह लो, चाहे हरि को कह लो, है कि नहीं, कोई नियम यहाँ पर नहीं होता है, कोई नियम यहाँ पर नहीं होता है, चाहे हरि को रख लो, है चाहे गुरु को रख लो, कोई नियम यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा और आगे देखो सूत्र बताते हैं, अजाद्य दंतम, अजाद्य दंतम, अजाद्य दंतम, दंते पूर्वम स्यात्, दंते पूर्वम स्यात्, हाँ
कहते हैं कि देखो द्वंद समास में लिख लो, द्वंद समास में क्या लिखते हैं, औजादी हो और अदंत हो, लिख लीजिए। औजादी हो, औजादी हो और अदंत हो, है ना? औजादी होते हुए जो अदंत होगा, ऐसा लिखो। औजादी होते हुए जो अदंत शब्द होगा उसका ही पूर्व निपात होता है, उसका ही पूर्व निपात होता है। उसी का पूर्व निपात, हाँ, किस समाज की बात कह रहे हैं? दंदा समाज, अन्य समाज की बात नहीं कह रहे हैं। जैसे देखो क्या बोलते हैं, हाँ, पूर्व निपात होता है। सूत्र में एक ही पद है, ईशा कृष्णो, ईशा कृष्णो, ईशाश्च कृष्णाश्च, बोलो, ईशाश्च कृष्णाश्च, ईशासु कृष्णासु, ईशा आगे कृष्ण, तो कौन पूर्व भाग? यहाँ पर कोई घी संज्ञा तो है ही नहीं, इसलिए किसको रखेंगे पूर्व में? कोई नियम तो रहा नहीं, नहीं। तब कहते आजादी होते हुए जो अदंत है कौन है बताओ, कृष्ण है कि ईसा है? कृष्ण अदंत तो है लेकिन क्या नहीं है, बोलो, आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, हैं? इसलिए कृष्ण पूर्व में होगा नहीं होगा, कौन होगा? ईसा, ईसा आजादी है, अदंत है, पूर्व में हो जाएगा, है कि नहीं है? हो गया भाई, ये सब समझना पड़ता है, ठीक है? और जहां पर बहुत हो जाए तो क्या करोगे फिर? जहां पर अनेक हो जाएगा तो वहां पर कोई नियम नहीं होता, हाँ, बहुसु अनियम, जैसे अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च, बोलो लिखो, अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च, अश्वश्च रथश्च इंद्रश्च, यहाँ पर कोई नियम नहीं होगा कि देखो कितने आजादी है, बोलो आजादी अदंत कितने है, बोले तीनों कहाँ है, दो है, अश्व और इंद्र, इसलिए यहाँ पर कोई नियम नहीं होगा। अश्व रथेन्द्र भी हो जाएगा, इंद्रा अश्व रथा भी हो जाएगा, किसी को भी रख लो, चाहे अश्व को रख लो चाहे इंद्र को रख लो, सुनते कि नहीं क्या, चाहे इंद्र को आगे रख लो चाहे अश्व को, हाँ ऐसा होता है, ठीक है, हाँ। और एक सूत्र ले लें, रथ को नहीं, रथ नहीं होगा, रथ बाद में होगा, या अश्व और इंद्र में से दोनों में से कोई भी होगा, चाहे अश्व को रख लो चाहे इंद्र को रख लो, है कि नहीं? अश्व को चाहे रख लो चाहे इंद्र को, रथ तो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तक हुआ। और एक सूत्र ले ले, अल्पाच तरम, अल्पाच तरम, अल्पाच तरम, अल्पाच तरम, अल्पाच तरम, यहाँ पर तरप प्रत्यय स्वार्थ में, लिख लो, तरप प्रत्यय स्वार्थ में है ये, है ना? अल्पाच तरम का अर्थ है अल्पाच ले लो, अल्पाच ही ले लीजिए, ठीक है, हाँ। क्या अर्थ है द्वंद समास में? जो अल्प औज वाला शब्द हो, जो अल्प औज वाला शब्द हो, औच वाला शब्द हो, उसका पूर्व निपात हो, उसका, हाँ, उसका पूर्व निपात हो, अल्पाच का समझ में आया? अल्प औच यस्य सह अल्पाच, यहाँ पर बहुवरी हो गया, अल्प औच, अल्प औच यस्य, हाँ, यस्य, यस्य पदस्य, ठीक है, मतलब द्वंद्व समास में जो शब्द अल्प औच वाला हो, औच मतलब स्वर वर्ण, मतलब जहां पर स्वर वर्ण कम होगा उसका पूर्व निपात होगा, जहां कम होगा, कम होगा, जैसे देखो शिव केशव, शिव केशव, शिवश्च केशवश्च इति शिव केशव, कि केशव शिव होगा, क्या होगा, शिव केशव, हाँ,
शिवा में कितना अच है? दो। और केशव में कितना अच है? तीन हो गया ना। अल्प आज वाला कौन होगा? शिवा। शिवा होगा, केशव शिव नहीं होगा। या जो पढ़ा है तब ना बुद्धि लगाएगा, जो नहीं पढ़ा है तो अरे कैसे भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, उच्चारण तो समान ही होगा। ऐसा नहीं होता व्याकरण में, ठीक है। हो गया बस। ओ हाँ, ओम धृतावसाने नटराज राजो नाम पंचवार उदारतु कामः शनकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम्।